हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आरबी एप्लीकेशन में मैथ्स कोर्स है, आप उसे इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, किस एग्जाम के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो एग्जामिनेशन है वो बहुत पास हैं, तो कौन कौन सी वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। जरूरी नहीं है आप सारी चीज़ें पढ़ के जाएँ, कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ भी देंगे ठीक है। होगा क्या कि जो 70% सिलेबस कोर्स होता है उसमें से 95% चीज़ें पूछी जाती हैं, और बचा हुआ जो 30% कोर्स होता है उससे 5% से। लेकिन अभी तक तो जो भी SSC एग्जाम में पूछा गया हमें सब कुछ पढ़ाना होता है, जिससे कि अगर इन केस उनसे क्वेश्चन फंस जाए तो आपको कोई भी क्वेरी ना है ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हुआ चलूंगा, कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना, उन चैप्टर्स में कौन कौन सी वीडियोज आपको देखनी है इनिशियली ठीक है। टाइम बचे तो आप सारा देखें तो सबसे बेस्ट है ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही कंसाइज वे में, जिससे कि आप सारी रेलिवेंट चीज़ें पढ़ के रहें कम से कम टाइम में। इस हिसाब से ही कोर्स डिजाइन किया हुआ है ठीक है, और आपका कहीं भी टाइम वेस्ट ना हो कोर्स पढ़ते रहें। हर तरह की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है ठीक है। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो डाउट ग्रुप्स हैं उन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हो, और उन्हें कैसे इफेक्टिवली ज्वाइन यूज कर सकते हो ठीक है। तो पूरी वीडियो देख लेना, दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू ठीक। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए हैं ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते, बहुत लिमिटेड मेंबर्स हम रखते हैं, जिससे कि वहाँ पे इररेलीवेंट टॉक्स भी ना हो और आप मोटिवेटेड रहें। आप एप्लीकेशन में जब अपने कोर्स ले लिया होगा उसके बाद अपने कोर्स में व्यू करेंगे ठीक है, चाहे आपने PDF कोर्स लिया हो चाहे मैथ्स का कोर्स लिया हो, उसके बाद टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप को एक दो काम करने, एक तो उसे पिन कर देना टॉप पे, जिससे कि कोई भी आपको क्वेरी है आपको याद रहे, आप ग्रुप पे जाएं डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर दें अपने क्वेश्चंस। दूसरी चीज, उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। नोटिफिकेशन ऑफ करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि कोई भी बार बार मैसेज करेगा आप डिस्टर्ब नहीं होंगे ठीक है। दिन में जब भी 15 मिनट 10 मिनट आप खाली हुए, आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं ठीक है। कोर्स से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना है मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल रहता हूँ, साथ ही साथ अगर मैं रिप्लाई नहीं भी करता तो बाकी स्टूडेंट जो कि आपके जैसे ही हैं, जो कि पेड यूजर्स ही हैं, तो वो रिप्लाई कर देंगे ठीक है, क्योंकि उनकी भी कभी ना कभी सेम क्वेरी आई होगी और उनका सोल्यूशन उन्हें मिला होगा, तो वो आपको रिप्लाई करके बता देंगे ठीक है। बाकी आप कहीं से क्वेश्चंस बुक में से प्रैक्टिस कर रहे हैं, PDF से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई क्वेरी आ रही है आप ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं ठीक है। कोई भी मटेरियल आप एक्स्ट्रा वहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, फालतू की रेलिवेंट टॉक्स नहीं कर सकते ठीक है। इट इज डिजाइंड कि आप सिर्फ यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करें ठीक है। फालतू की बातों करोगे तो फिर हर एक आदमी बात करने लग जाएगा, तो ग्रुप में रोज के 4-4 हज़ार मैसेज आएंगे, जिसमें फिर दिक्कत हो जाएगी ठीक है। ग्रुप का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, जहां आपको ये पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप बनाया गया, जिससे कि आप सेम पर्सन से जो सेम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ के कनेक्ट करके तैयारी कर सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके। वहीं आप अगर टॉक्स करेंगे तो वो फिर ग्रुप बेनिफिट जो आपको देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, आपके लिए हार्मफुल होगा ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन समझ आ गया। आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक ग्रुप भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी फेसबुक ग्रुप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है ठीक है, कम ही लोग वो उसे यूज करते हैं ठीक है। फेसबुक चलाते नहीं, और मैं वो ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता फेसबुक चलाओ। फेसबुक पहले ग्रुप ही था, लेकिन काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए, टेलीग्राम हम ज़्यादा यूज करते हैं इसलिए टेलीग्राम पे बना दिया ठीक है। बाकी आप फेसबुक ग्रुप पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन अपनी कॉपी या कुछ लिखोगे वहाँ पे जाके सेंड कर सकते हो, सकता है कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे वैल्यूएट करें, काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं लेकिन अभी कम एक्टिव हैं ठीक है। तो इसका लिंक आप आरबी SSC सेल्फ हेल्प अंडर ब्रैकेट में आरबी लिखोगे टेलीग्राम फेसबुक पे तो मिल जाएगा आपको ग्रुप, वरना लिंक ये है www.facebook.com_groups_maths_rb ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास, अगर आपको फिर भी आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही, आपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला वहाँ पे स्प्रेंड नहीं बता पाए, फिर भी आप फंस रहे हो, कोई टेक्निकल इशू आप फेस कर रहे हो जो रिजोल्व नहीं हो रहा है, 2-3 दिन तक आपने वेट करा, उसके बाद आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो ठीक है। एप्लीकेशन पे ही जो ये बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे तो चेक नहीं कर पाता, बट हाँ ये है कि वीक में एक बार जरूर चेक करूंगा तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। कोशिश यही रहेगी आने वाले टाइम में कि एक टीम मेंबर है जो इस व्हाट्सएप को भी मॉनिटर करे और वो आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दे ठीक है। बाकी अभी तक पर्सनली मैं ही मॉनिटर करता हुआ आ रहा हूँ सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को, तो मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ ठीक है। तो अभी थोड़े लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिन के अगर 300-400 दिन के काफ़ी मैसेजेस और मेल्स आ जाते हैं, मेल्स चेक करे हुए भी टाइम हो जाता है, तो यही है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं ठीक है, जल्दी इसका सोल्यूशन होगा कुछ ना कुछ, या तो कोई टीम मेंबर होगा मेरी जगह जो रिप्लाई कर देगा, अदरवाइज
मैं ही कर पाऊंगा तो कुछ ना कुछ हम सोचेंगे, लेकिन आप यहाँ पे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई मैसेज छोड़ा और वो देखा ही नहीं किसी ने, ठीक है। विद इन अ वीक आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बाकी क्वेरीज आपकी पोस्ट से रिलेटेड नहीं आएंगी, वैसे ही कुछ आया तो पता लगे। बाकी मैक्सिमम क्वेरीज आपके टेलीग्राम पे ही खत्म हो जाएंगी, और एप्लीकेशन इस तरह से डिजाइन है कि आपकी कम से कम क्वेरी है। और इस वीडियो में मैं सारी जो भी क्वेरीज आप फेस करोगे वो सारी मैं बता भी दूंगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ूँ, यहाँ पे ईमेल में वही है मेरा ईमेल एड्रेस जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है, ठीक। यहाँ पे अगर इस पे वेब पे क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे आप जाके वीडियोज लेक्चर सब कुछ देख सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। बाकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डायरेक्ट आपको दे दूंगा। अभी पीडीएफ्स आप, अगर आपने मैथ्स कोर्स ले रखा है तो जितनी भी पीडीएफ्स हम बनाते हैं जीके इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स के चैप्टर वाइज, वो सारी पीडीएफ्स का आपको एक्सेस रहता है। मैथ्स कोर्स आपने अगर लिया है तो व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे मैथ्स और पीडीएफ। पीडीएफ पे जाके आप सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ में होते हैं। मैथ्स में इमेजेस भी होती हैं क्वेश्चन के अंदर, डीआई की इमेजेस हो गई, या फिर अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग में क्वेश्चन के अंदर इमेजेस होती है, काउंटिंग फिगर्स, तो पीडीएफ का साइज काफी बड़ा बनता है, ठीक है। अगर मैं उसे छोटा कर दूँ तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, आपको ज्यादा दिक्कत आएगी उसे फिर पढ़ने में, राइट। तो पीडीएफ, कुछ पीडीएफ ऐसी भी होंगी जो 40-50 MB की होंगी। अगर एक पीडीएफ में 2000 क्वेश्चन आ गए तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, ठीक। तो जब आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके, अगर आपका नेट स्लो है या वाईफाई से भी कनेक्टेड हो, कहीं पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि 50 MB लोड होना होगा, उसके बाद पीडीएफ खुलेगी। तो आपने क्लिक करा, एप्लीकेशन हैंग नहीं हुई, बस वो पीडीएफ लोड होने का टाइम जा रहा है। इसका एक सोल्यूशन है कि आप वेबसाइट के थ्रू जाएं, वेबसाइट पे भी होगा लेकिन वो आपको दिख रहा होगा लोड होते हुए पीडीएफ। यहाँ पे ये है कि पूरी पीडीएफ लोड होती है फिर आपको दिखती है, क्लियर है। बाकी पीडीएफ लोड होने के बाद उसे आप फोन मेमोरी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फोन मेमोरी में डाउनलोड करने के बाद उसे जैसे मर्जी आप यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पीडीएफ आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में डाउनलोड करना हो तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको फोन मेमोरी में डाउनलोड करना है तो ये आपको जो एसडी कार्ड जैसा सा बना होगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपके फोन के अंदर पीडीएफ सेव हो जाएगी, ठीक है। तो सारी पीडीएफ डाउनलोडेबल है। तो आप कभी अच्छे वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं तो आप पीडीएफ सारी की सारी जो भी आपको लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में आपको जरूरत पड़ेगी, आप डाउनलोड करके रख लें एक बार, ठीक है। और बाकी जो भी नई पीडीएफ होती है नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको बता ही देता हूँ कि हाँ ये पीडीएफ हमने और ऐड करी। जैसे अभी एमटीएस की चैप्टर वाइज पीडीएफ 2021 एग्जामिनेशन की एमटीएस हवलदार की वो ऐड होंगी, सिलेक्शन पोस्ट की अभी आंसर क्या आने वाली है उसकी पीडीएफ ऐड होंगी, सीजीएल मेंस के आंसर क्या आने वाली है उसकी पीडीएफ, और जो भी एग्जाम्स होते रहेंगे उनकी पीडीएफ, वो जो प्रीवियस हो चुके हैं कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की भी, मैथ्स की मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ अलग कर ली है, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगी जो कि आपके अभी दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जामिनेशन है उनके लिए यूजफुल होंगी, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स की हमने पीडीएफ प्रोवाइड करी है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था 3-4 ही एग्जाम थे, अभी ये वो भी एक ही साल के, अभी हमने कम से कम यहाँ पे 10 से 12 एग्जामिनेशन है जिनके हर सब्जेक्ट की हम चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, और उनके पीजीबीएससी के भी एक एक साल पुरानी भी आपको पीडीएफ मिल रही होंगी वहाँ पे, बहुत पीडीएफ है, ठीक है। जो आपको रेलिवेंट लगे आपको वो पढ़ना है। बाकी हम और भी काम कर रहे हैं पीडीएफ पे, कि ऐसा कुछ पीडीएफ बना दे कि ईडीएम एंड फ्रेज जितने भी आए पिछले 1-1.5 साल में सारी की सारी एक ही पीडीएफ में आपको दे दूँ, ऐसे ही क्लोज टेस्ट की एक पीडीएफ दे दूँ, मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर की एक ही पीडीएफ दे दूँ। ये भी विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए इस पे काम, और फिर उस तरह की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अभी क्या होता है, पूरे एग्जाम की पीडीएफ होती है, इससे सीजीएल 2021 की पीडीएफ, उस पीडीएफ के अंदर ईडीएम सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे। अभी एग्जाम वाइज चल रहे हैं, फिर टॉपिक वाइज वैसे, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है, हो जाएगा वो 1 महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब वेबसाइट्स के थ्रू कैसे करना है, अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन अभी डेवलप नहीं हुई, आप www.rblearning.com, मोबाइल में भी चल जाएगा ये, तो मोबाइल में भी अच्छा इंटरफेस है, ठीक है। डायरेक्टली मोबाइल में भी आप सारी की सारी वीडियोज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसके थ्रू भी आप सारी वीडियोज को एक्सेस मिल जाएगा, पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड हो जाएंगी सारी, ठीक। उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, जैसे आपने ये वेबसाइट है इसमें आप लॉग इन कर लेंगे, यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन में आपने जिससे रजिस्टर करा होगा उसी से लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद परचेजेस में जाएंगे आप, परचेजेज में आपको जो कोर्स आपने परचेज किया होगा वो दिखेगा, ठीक है। उस पर आप व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे मैथ्स का कोर्स मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। व्यू करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे कंटेंट में, एक होगा मैथ्स और एक होगा पीडीएफ। पीडीएफ में तो वही जो चैप्टर वाइज पीडीएफ हमने सभी एग्जाम्स की बनाई है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैथ्स कोर्स के साथ फ्री है तो वो सारे का सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैथ्स पे जाएंगे तो आपको मैथ्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी सबसे पहले मैं पीडीएफ पे क्लिक करके बताता हूँ कैसा आएगा। पीडीएफ पे क्लिक करा तो आपको मैथ्स की पीडीएफ, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी गाइडलाइंस है जो कि मैंने इस वीडियो में ही बता दिया, तो अलग से आप वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की सारी चैप्टर वाइज पीडीएफ, जीके की चैप्टर वाइज पीडीएफ, रीजनिंग की चैप्टर वाइज पीडीएफ,
ठीक है। कुछ मॉक फॉर्म पीडीएफ मैंने यहाँ पे भी डाली हुई है, ऑल दो मॉक फॉर्म पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पे सारी अवेलेबल है। ठीक है, आरबी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, स्टार्टिंग में ही अगर आप, वैसे तो सभी लोग ज्वाइन होंगे टेलीग्राम पे आई नो, लेकिन वन ऑफ दी लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल हमारा है, और अगर आप नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये टेलीग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे फॉलो अस ऑन टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होंगे, डाउट ग्रुप्स अलग है, टेलीग्राम चैनल अलग है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इज ओपन टू ऑल। तो मॉक फॉर्म पीडीएफ सभी के लिए फ्री अवेलेबल होते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद तो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे चलो इस पे आ गया, फिर मैंने मैथ्स पीडीएफ पे क्लिक करा, मैंने एसएससी सीपीओ वाली पीडीएफ पे, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करा, तो यहाँ पे पीडीएफ खुल जाएगी। यहाँ पर लास्ट में तीन डॉट से दिख रहे होंगे आपको, इन तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है, मैथ्स कोर्स यूजर ऐसे डाउनलोड करते हैं, अगर पीडीएफ कोर्स यूजर हो तो पीडीएफ कोर्स यूजर्स के लिए भी सेम है, वो पीडीएफ कोर्स पे जाएंगे और फिर जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जो अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन है, आपको एग्जाम की ये पता फॉर्म कब निकलेगा और एग्जामिनेशन टेंटेटिवली कब होगा। ठीक है, एग्जाम डेट्स भी आ चुके हैं, जो अभी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर हो गया, ईडब्ल्यू एग्जामिनेशन हो गया, आपका हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया। ठीक है, उनके एग्जाम डेट्स आपको पता है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीजीएल सीएचएस, ये सारे एग्जाम्स आने ही हैं, टाइमली होंगे, एसएससी बहुत फास्टली काम कर रहा है, तो बी रेडी फॉर इट। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथ्स कोर्स पे आ गए हम, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का जो कोर्स है, ठीक है, जो कॉमन सिलेबस है हमारे पास, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल एटीओ एडब्ल्यूओ। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन है जिसमें एडवांस्ड मैथ्स भी पूछा जाता है और अर्थमेटिक मैथ्स भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी एडवांस मैथ्स क्या है, अर्थमेटिक मैथ्स क्या है। अर्थमेटिक मैथ्स में आप देखेंगे ये सारे चैप्टर्स आएंगे आपके, जिसमें नॉर्मल हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एड, ये सब कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें चलती हैं, जब बहुत फॉर्मूले बहुत लिमिटेड होते हैं अर्थमेटिक में। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक मैथ्स के। ठीक है, ये 120 घंटे का पूरा फाउंडेशन कोर्स है, इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत सारे ऐड किए गए हैं। ठीक है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स के होंगे, और वो आते भी रहेंगे, वो और ऐड होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हमेशा फाउंडेशन कोर्स ही रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर आपको स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेशन देखने हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सेस रहेगा, जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी, आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे 3 महीने वाले प्लान से ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल वाले, सारी वीडियोज और सारी पीडीएफ का आपको एक्सेस रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडवांस मैथ्स की, तो ये चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, जिसमें अलजेब्रा, सेट्स, इंडाइसेस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंशुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब है। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही रेयरली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ये सिर्फ सीजीएल मेंस में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी एग्जाम्स में नहीं आते। कभी कभी टीयर वन में एक आधा क्वेश्चन आ गया, 5-6 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाल दिया तो डाल दिया, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली नहीं पूछा जाता, ना सीपीओ में है, ना आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनेंगे। सीजीएल सीएचएसएल में कभी कभी टीयर वन में एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना सीजीएल मेंस में 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारे चैप्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं इन एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें अर्थमेटिक पे ही ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में तो एडवांस मैथ्स भी पूछ लेते हैं, अच्छा, बाकी सिलेक्शन पोस्ट हो गया आपका, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर एडब्ल्यू एडब्ल्यू ये एग्जामिनेशन हो गया, इसके अंदर जो होगा आपका मेन फोकस लास्ट के 3 एग्जामिनेशन पे अर्थमेटिक पे ही रहेगा, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस की वेटेज काफी ज्यादा कम रहेगी। तो सबसे पहला टारगेट आपका अर्थमेटिक सेक्शन होगा, उसे बहुत अच्छे से कवर करना है, वो कम टाइमली में कम टाइम में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उसमें रटने वाला ज्यादा नहीं होता, चीजें सिर्फ समझने वाली होती है अर्थमेटिक। ठीक है, सिक्वेंस जो मैंने पढ़ाया है वही सिक्वेंस आपको पढ़ने के लिए फॉलो करना है, अभी मैं एक एक करके चैप्टर वाइज जाऊंगा कि कौन से चैप्टर में आपको कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर है इन एग्जाम्स के बारे में? सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में एडवांस मैथ्स को छोड़ा नहीं जा सकता, अच्छे से आपको करना ही है, क्योंकि उसकी भी वेटेज अच्छी रहती है। चैप्टर वाइज वेटेज के लिए एक सेपरेट वीडियो हो पाया तो मैं बनाऊंगा, बट फिलहाल चीजों को समझो, बाकी प्रीवियस ईयर जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन है वो लिखा होता है। ठीक है, आप कोर्स वीडियो में तो ऑलरेडी ये सब चीजें दिख रही होंगी, वहां पर पीडीएफ देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर। चीजें रेलिवेंसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कोर्स के अंदर, क्योंकि इरेलीवेंट चीजें पढ़ के हम जाए उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी कोर्स को, जो मेरे 240 घंटे का टोटल कोर्स है, ठीक है, इसे चाहे हूँ तो मैं 600 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन तो क्वेश्चन मैं कराता चला जाऊंगा, कैट के भी क्वेश्चन करा दूंगा, और मैं दावा भी कर दूंगा कि मैथ्स में ये करने के बाद आपके मेंस में 200 में 200 आएंगे, कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं जो आपको ना आता हो। लेकिन पहला टारगेट आपका 200 नंबर होगा, या इतने की 100 में से मैथ्स में अगर सीजीएल मेंस में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो
95 हमें आते हो वो टाइमली कर लें, अच्छे से कर लें, वो जरूरी है, या फिर वो 5 क्वेश्चन और कवर करने के लिए, 100 क्वेश्चन पूरे करने के लिए हम बहुत ज्यादा 4 गुना ज्यादा मेहनत करके गए, वो जरूरी है। तो पहले ये है, इससे आप अच्छे तरह से सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। बाकी मॉक वगैरह देंगे तो सारे ही हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयरली ऐसा वो मिलेगा क्वेश्चन जो आपको ना आता हो, कॉन्सेप्ट सभी के आते होंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100 के 100 के आते होंगे, ठीक है, मेन्स में भी। चीजें अगर मैं बात करता हूँ, सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है कोर्स सीजीएल Tier 2 लेवल तक, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन टाइम टू टाइम आएंगे। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जैसे CDS में आपका लॉगरिथम भी आता है। तो नवंबर तक मैं ये चैप्टर्स भी आपको करा दूंगा। तो आपको अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप CDS कोई और एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वो भी कवर हो जाएगा। और SSC एग्जाम्स का जो सिलेबस है, मैक्सिमम एग्जाम्स का सिलेबस वही रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर आपने जितना भी करा रखा है ये कर लिया, मैथ्स में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ऑल्दो ये CGL के हिसाब से मैंने बनाया है, SSC एग्जाम्स के हिसाब से बनाया है, बट प्रॉब्लम कोई और कॉम्पिटेटिव DTPS भी दे रहे हो आप, कोई और एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी ये करने के बाद, ठीक है। सारे कंसेप्ट सारे तरीके आपका होंगे, बस प्रैक्टिस आपको उस एग्जाम के हिसाब से करनी होती है कि उस एग्जाम में किस तरह से चीजें चल रही है, राइट। अब मैं कॉमन सिलेबस की बात करता हूँ, SSC MTS SSC GD, ये CPO गलती से आ गया, यहाँ से हटा देंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और आपका फिर सिलेक्शन पोस्ट, मेट्रिकुलेशन लेवल, इन सभी एग्जामिनेशन का सिलेबस कॉमन है। बस सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल में आपका एलजेब्रा भी पूछ लेता है, और यहाँ पे सिलेबस क्या है आपका, अर्थमेटिक है पूरा का पूरा, और मेंशुरेशन है एडवांस मैथ्स से, ठीक है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, बेसिक लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब नहीं पूछा जाता इन एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपका सिलेबस ये रहा, जो कोर्स होगा आपका 120 घंटे का होगा अर्थमेटिक का। इसके अलावा आपको मेंचुरेशन 2D और 3D पढ़ना है, जो मैंने कोर्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंचुरेशन, ठीक है। जो मेंचुरेशन 2D है मैंने ज्योमेट्री के अंदर कराया है, और मेंचुरेशन 3D मेंचुरेशन में कराया है। और इसके अलावा मेंचुरेशन का एक छोटा सा क्रैश कोर्स भी डाला हुआ है मैंने 3 घंटे का। तो आप वो मेंचुरेशन के लिए अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो छोटा क्रैश कोर्स देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसमें मेंचुरेशन 3D का क्रैश कोर्स है, मेंचुरेशन 2D का क्रैश कोर्स मैं अलग से डाल दूंगा अभी, और ज्योमेट्री का भी, क्योंकि ज्योमेट्री 44 घंटे की है, हम धीरे धीरे देख रहे हैं वेटेज SSC एग्जाम्स में कम हो रही है Tier 1 में ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री का भी मैं आपके SSC CGL एग्जामिनेशन से पहले कोशिश करूंगा within 2 months, ठीक है, आने वाले 2 महीने के अंदर ही ज्योमेट्री को कोर क्रैश कोर्स अपलोड कर दूँ, जो कि लगभग मैक्सिमम 7 से 8 घंटे का होगा। उसमें सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ मिल जाएंगे, सारे जो जिस कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड, अगर आपके पास टाइम है आप पूरा ज्योमेट्री पढ़ के जाएं, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम ना बना ले आप फंसेंगे नहीं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इस कोर्स के अंदर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट, सारी डेरिवेशन, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अभी डिटेल में जाएंगे तो और ज्यादा चीजें कवर होंगी, ठीक। तो अब हम कोर्स पे मूव करते हैं। ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि कोर्स कैसा रहेगा, किन किन एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। अब मैंने परचेज में जाके सिर्फ मैथ्स कोर्स खोल लिया, मैं वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आते हैं। SSC CGL की मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डाली थी यहाँ पे, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन में चलता कैसे है। जैसे वॉच पे क्लिक करूंगा मैं तो आपको यहाँ पे क्वालिटी दिख जाएगी, आप अपनी मर्जी से क्वालिटी सेट कर देंगे। जैसे मैंने 720 पिक्सल पे वीडियो चला दी और ये आराम से चल भी गई। फुल स्क्रीन करना है, मैं इसे फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे आप इसे 15 सेकेंड आगे 15 सेकेंड पीछे मूव करने का भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे स्लाइड बार को तो आप ये कर ही सकते हैं आराम से। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, आप किसी भी स्पीड पे 1.5x की, 2x की, 2.5x की, अलग अलग स्पीड पे वीडियोज को देख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए एक वीडियो डाली थी मैंने, आप वो देख सकते हैं। बाकी यहीं पे जो ये वाली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कोर्स के अंदर, इसी जगह पे आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी किस तरह से कोर्स को इफेक्टिवली यूज करना है। मैं पी वापिस आता हूँ, वो मैथ्स कोर्स पे दोबारा गया, ये हाउ टू डाउनलोड PDF वाला भी आप छोड़ देना। फिर यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिस सिक्वेंस में मैंने कराए हैं आपको यही सिक्वेंस फॉलो करना है इन्हें पढ़ने के लिए, जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ऑल दो आपने कुछ चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे हो मुझसे या किसी और एजुकेटर से भी बाई चांस, और आप चाहते हो, आपको लगता है कॉन्फिडेंस पूरा है वो नहीं पढ़ने, तो आप रैंडमली जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहें उस चैप्टर पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन ट्रिक से स्टार्ट करता हूँ। कैलकुलेशन ट्रिक में देखो, हर एक वीडियो के अंदर मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कौन सी वीडियो कितने घंटे की होगी, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें कराई गई हैं ये भी बताया हुआ है।
आप देखेंगे जैसे ये हमारे पास कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं जो 1 घंटे 16 मिनट की, इसमें यूनिटरी मेथड बताया है और कुछ चीजें बताई हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, टेबल्स कितने तक याद होने चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है, कितना टाइम कैलकुलेशन को देना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। और यूनिटरी मेथड एक अच्छा मेथड है, यूनिट डिजिट को देखते हुए हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, जब आप देखेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, वो वीडियो है, देखनी है सबको। एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन की कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स मैंने थर्ड पार्ट में बताई हुई है, इसमें क्यूब की ट्रिक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्क्वायर आपको फास्टली करना आना चाहिए, तो 1 से लेकर 1000 तक कैसे कम टाइम में स्क्वायर करेंगे वो आप सीख लो, हर एग्जाम में काम आएगा। फिर उसके बाद एक वीडियो में मैंने डिजिटल सम का कंसेप्ट समझाया हुआ है, और फिफ्थ पार्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक बताई हुई है, कैसे कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, और SSC एग्जाम्स के लिए और बैंक एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अलग से क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी बहुत प्रैक्टिस कराएं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक है जो आपको SSC एग्जाम्स के लिए देखनी चाहिए, वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी इस 1 घंटे की वीडियो में, उसके बाद बैंक एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन करवा रखें, अगर आप बैंकिंग का देंगे तो वहां पर बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मॉड्यूल अभी एक डाला हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, बाकी मैं इसमें मैंने बनाए तो बहुत सारे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे और अपलोड कर दूंगा जो जो चीजें सिखाई हैं, इसे आप प्रिंट निकलवा लेना इसका और इस पर प्रैक्टिस कर लेना कैलकुलेशन की, जब ये सारी वीडियो जो अगर आप देख लेते हो, ठीक है। और कैलकुलेशन के कंसाइज क्लास नोट्स भी एक एस्पिरेंट ने बनाए थे, तो वो क्लास नोट्स की PDF भी आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो जो जो चीजें सिखाई हुई है वो यहाँ पे इस PDF में दिख जाएगा, बाकी आपको खुद ही नोट्स बनाने हैं। आपको ये PDF तब यूज करनी है जब आपको लगे कि हाँ मैं नोट्स नहीं बना पाया, टाइम भी बहुत ज्यादा कम है, कैलकुलेशन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। जैसे ये PDF खोली भी, इसे डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड PDF करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ही। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, यस। इसके बाद APGP HP मिलेगा, पहली वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आप उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एडवांस मैथ्स नहीं पूछा जाता, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कम ही बनते हैं वैसे, ठीक है, अभी इनिशियल टाइम है, देखना चाहो देख लो, कुछ छोड़ो मत, हर तरह की PDFs यहाँ पे मिलेगी। अभी परसेंटेज आएगा तो मैं आपको दोबारा PDFs दिखाऊंगा कि किस किस तरह की हमने PDFs बनाई है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, एक ही वीडियो है, 2 घंटे की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लेना। CGL मेंस में अभी जो क्वेश्चंस आए आप देखेंगे इसमें मैंने करवा रखे होंगे, जो लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन में फंस रहे हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज की इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको, तो ये देखनी है वीडियो, एक ही वीडियो है 2 घंटे की। उसके बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन में एक तो अपना बोर्ड मास वाला पार्ट होता है, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो में सारी चीजें समझा रखी है, इसमें एक दो वीडियो में और ऐड कर दूंगा प्रैक्टिस सेशंस के तौर पे, ठीक है। बाकी एक सिंप्लीफिकेशन कुछ अलग टाइप की सीरीज होती है सिंप्लीफिकेशन की, वो आप देख लेना, दो छोटी छोटी सी वीडियो है। बाकी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सिर्फ इतना नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीरीज कर लिया या हमने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस जब हम पढ़ते हैं, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें भी सिंप्लीफिकेशन के काफी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में वो तभी आएंगे जब वो एडवांस मैथ्स आपका पूछा जा रहा होगा, अदरवाइज वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उस टाइप के आपके नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आएंगे जिसमें एडवांस मैथ्स नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसलिए तो वो वहीं पे करवाया हुआ है। आप किरण वगैरह की बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चन भी मिल जाए, आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन मिल जाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो आपके लिए, कि फिल्टर आउट करना कि आपके एग्जाम्स के लिए क्या रेलिवेंट है। बाकी प्रीवियस ईयर की जो सिंप्लीफिकेशन की PDFs हैं आप वो यूज कर सकते हैं जो चैप्टर वाइज मैंने प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, उसमें आपको ऐसा मिक्स क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आगे बात करता हूँ मैं, फिर हमने जैसे सिंप्लीफिकेशन के बाद परसेंटेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, हर एक चैप्टर जैसे बेसिक जरूरी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स, जो बेसिक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हर क्लास है हमारे पास, हर क्लास की आपको PDF भी दिखेगी विद एनोटेशन। जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करे, जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं 90% आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने प्लान करके जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ सिखा पाऊँ वैसे हैं। क्वेश्चन होगा उसका आंसर मेरी लैंग्वेज में भी होगा, ठीक है, मान लो आपने बेसिक्स परसेंटेज के पहले कहीं से पढ़ रखे हैं, ठीक है, या बहुत अच्छे से आपने परसेंटेज कर रखा है तो डायरेक्टली आप इसमें देख लें कि हाँ ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है, हो जाएगा। बाकी रिकमेंडेड ये होता है बिगनर को वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सोल्यूशन में मैंने बेसिक वाला सोल्यूशन लिखा हुआ हो, कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन होते हैं जो मैं ट्रिक से कराता हूँ, मैं बेसिक भी बताता हूँ क्वेश्चन का, और उसमें कोई ट्रिक लग रही हो या ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन हो सकता है तो मैं वो भी बताता हूँ, जो कि PDF में मे बी आपको विद एनोटेशन में ना दिखे सारी चीजें, ठीक है, तो
तो क्योंकि कुछ ट्रिक्स ओरली बताई जाती हैं कि क्वेश्चन को पढ़ा देखते ही मैंने ओरली बता दिया कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए क्योंकि इसमें ये चीजें लग गई, तो वो लिखा नहीं जाता, हर चीज लिख नहीं सकते हम, राइट। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशंस आपको हर एक क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कम टाइम में आप पीडीएफ को यूज करके भी चीजें कवर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में फंसे तो पीडीएफ से देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे सारे चैप्टर्स के आपको परसेंटेज के यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी। उसके बाद लास्ट में ये वेन डायग्राम वाला है, इसमें देखना सारा ही है, परसेंटेज में कुछ छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, परसेंटेज ही समझ नहीं आया तो आगे के चैप्टर्स आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम वाला पार्ट में, ठीक है, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है तो आप इसमें बेसिक क्वेश्चंस कर लेना स्टार्टिंग के, ठीक है। लास्ट का कुछ 15-20-40 मिनट का स्टार्टिंग का जो है वो पोर्शन देख लोगे, बाकी चाहे तो कर ही लो, अभी से छोड़ो मत, ठीक है। यहाँ पे CGL 2020 टीयर टू के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं परसेंटेज के, यहाँ पे CGL 2020 के टीयर टू के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम 2022 में हुआ था, अभी यहाँ पे 2021 टीयर वन के परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस सोल्व करा रखे हैं सीजीएल के। बाकी अभी ICAR के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं टेक्नीशियन के, और अभी ICAR एग्जामिनेशन हुआ था उसके भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, जो कि सीजीएल मेंस के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे परसेंटेज। चैप्टर वाइज जैसे पीडीएफ प्रैक्टिस सेशंस की धीरे धीरे और ऐड होती रहेंगी, ठीक। उसके बाद जो पीडीएफ होती हैं, जैसे कि मैंने पहले खोला परसेंटेज बोर्ड, तो इंग्लिश यहाँ पे है, इंग्लिश लैंग्वेज में परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने क्लास के अंदर कराए हैं कोर्स के अंदर वो मिल जाएंगे, और उनका बोल्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आया उसका आंसर इन बोल्ड, क्वेश्चन आया उसका आंसर इन बोल्ड, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। और इसके बाद परसेंटेज आंसर शीट, आंसर एंड, आंसर एंड में क्या कराया है हमने कि आपको जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बोल्ड हो जाता तो आपको पता चल जाता है आंसर क्या है, आप क्वेश्चन सारा का सारा पढ़ेंगे और जो आंसर्स होंगे वो लास्ट में होंगे पीडीएफ के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने 11 क्वेश्चन करे आप नीचे देखेंगे, ठीक है, तो एकदम इंस्टेंटली आपको पीडीएफ में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे आंसर्स मतलब उनके। ऐसे ही इंग्लिश में है, सेम पीडीएफ आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, दोनों टाइप की, क्वेश्चन और फिर आंसर नीचे या फिर आंसर बोल्ड, ठीक है। तरीका क्या होगा जब आप तैयारी करेंगे, देखो हर एक क्वेश्चन आप खुद लिखोगे, उसका सॉल्यूशन भी खुद लिखोगे, तो डेट इज अ लेंथी प्रोसेस। आप ये पीडीएफ का प्रिंट निकालेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ क्लास में करवाई उनका प्रिंट निकाल के अपने पास रखेंगे। प्रिंट से फायदा क्या होगा, जब एग्जाम टाइम पास होगा आपको रिविजन करनी होगी तो जो भी क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं उसे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और एग्जाम से पहले वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। जो नोटबुक होगी आपकी नोट्स की उसमें क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप, उसका सॉल्यूशन अपनी लैंग्वेज में जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो लिखेंगे, खाली क्वेश्चन लिखने में बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज, कभी कभी हमारे पास क्या होता है एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, हमने सेशंस देख लिया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज के क्लास नोट्स, ये हिंदी लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आंसर शीट है परसेंटेज क्लास नोट्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास नोट्स अवेलेबल है जो कि एक एस्पिरेंट ने बनाए हैं, वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इन फ्यूचर कोई और एस्पिरेंट के अगर अच्छे मिले तो वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे के सारे क्लास नोट जो जो चीजें कराई हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ क्लास नोट उठाए उससे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्लास नोट्स होंगे जिसमें क्वेश्चंस भी, जैसे इन्होंने पूरे पूरे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी करने में, वरना सॉल्यूशन होंगे तो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। और यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, डाउनलोड कर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में ये पीडीएफ या सेव हो जाएगी। ऐसे ही इंग्लिश के परसेंटेज के नोट्स थे, ऐसे हिंदी के परसेंटेज की क्लास नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये हिंदी के क्लास नोट्स हैं, यहाँ पे सारी चीजें क्वेश्चंस हिंदी में होंगे, उसको सॉल्यूशन हिंदी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया एक परसेंटेज चैप्टर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ जो कि आपको पूरा करना है, इसे छोड़ेंगे नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, ठीक है, ये भी आपको पूरा करना है, छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, 4.5 या 5 घंटे में करवाया होगा, क्योंकि रेशियो और जो परसेंटेज चैप्टर होता है ये डिफरेंट चैप्टर्स नहीं है, ठीक है, कई बार डिस्टिंग्विश करना आपके लिए मुश्किल होगा कि परसेंटेज में लूँ या रेशियो में लूँ, जैसे इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ लोग चाहें तो उसे रेशियो में कराते हैं, कुछ लोग परसेंटेज में कराते हैं, मैंने परसेंटेज में कराए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर मिल जाएगा, इसके भी सिमिलर काइंड ऑफ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और इसके फिर रेशियो के मैंने सारे के सारे टीयर टू के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवा रखे हैं, CGL 2021 टीयर वन के भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए होंगे प्रैक्टिस सेशन में, वो दिख जाएगा आपको सेशन यहीं कहीं, ठीक है।
नहीं दिख रहा होगा तो वो मैं ऐड कर दूंगा, मैंने डाला तो था यहाँ पे, ठीक है। तो सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेशंस भी आपको चैप्टर वाइज लेटेस्ट एग्जाम्स के। बाकी प्रैक्टिस सेशंस अगर आप अभी इनिशियली नहीं देखना चाहते कोई इशू नहीं है, उनकी पीडीएफ से आप खुद सोल्व करें, आपके पास आराम से खुद कर देने चाहिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जहां अच्छे होंगे क्वेश्चंस, मैंने कहा कि कोई एग्जाम में कुछ नए टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिखे, जैसे रेशियो के जो टीयर टू में क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, थोड़े से घुमा के पूछ लेते, तो 24 मिनट की वीडियो है ये, देख लेना टीयर टू, ये यूट्यूब पे भी मैंने डाली थी ये वाली वीडियो, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। बाकी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा प्रैक्टिस सेशन की, तो उसमें थंबनेल में लिखूंगा कि इसका ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ये क्वेश्चन जरूर देखें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पूरी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है तो ज्यादा बेस्ट वही है, मे बी कुछ शॉर्ट ट्रिक तरीके आपको मिले। बाकी जो नए क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, थंबनेल में लिखा होगा तो खाली वही क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे परसेंटेज हमारे खत्म हुआ, रेशियो हुआ खत्म, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की एक ही वीडियो है 1.5 घंटे की जिसमें सब कुछ मैंने कराया है, ठीक है। उसके अलावा पार्टनरशिप के यहाँ पे मैंने 3 वीडियो जो और डाली है, सीजीएल 2020 टीयर टू के सारे क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन थे, 8 मिनट की वीडियो है सिर्फ, सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चंस अच्छे थे, 9वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन, तो ये वाला देख लेना उसके बाद आप। और एक आईसीआर के मैंने क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस कराए थे यहाँ पे 30 मिनट की, ये वाली वीडियो भी प्रैक्टिस सेशन के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में ये और ये वाली वीडियो के 3 क्वेश्चन और ये, ठीक है, ये देखना है अपने को। अब जब रेशियो, परसेंटेज और पार्टनरशिप हो जाए, जब आपके ये 3 चैप्टर हो जाए, तब आपको प्रीवियस ईयर अगर आपके पास कोई बुक है तो प्रैक्टिस करना है। खाली परसेंटेज करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे रेशियो के क्वेश्चंस बीच में मिल जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, राइट। तो पहले ये तीनों, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप हो गया, और आप चाहें तो इसमें मिक्सचर को भी इंक्लूड कर दें, ये 4ों चैप्टर आप पहले अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद इन 4ों चैप्टर्स के आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार मिक्सचर के क्वेश्चन आपको रेशियो में डाल देंगे तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन बन जाएगी, क्योंकि मिक्सचर भी जस्ट सब पार्ट ऑफ रेशियो चैप्टर ओनली, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मिक्सचर के अंदर, हमारे पास 4 सेशन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 में इजी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा भी है, ठीक है। ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप टीयर 1 एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास टाइम कम है, तो पार्ट 3 कैन बी स्किप्ड, लेवल भी अच्छा होगा, सीखने में भी आपको टाइम लगेगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी कम आते हैं, दिस कैन बी स्किप्ड, बट हैं क्वेश्चन सही, वो भी रेयरली पूछे जाते हैं और कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी सिखाएं। पार्ट 4 इज इम्पोर्टेंट, ये देख लेना, इसमें एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन से कैसे क्वेश्चंस करते हैं उसका आइडिया आपको लगेगा, ठीक है। बैक जाता हूं मैं, मैथ्स, हाँ मिक्सचर हो गया हमारे पास, एवरेज चैप्टर है, एवरेज चैप्टर की हमारे पास ये सारी वीडियोज हैं, टोटल 6 वीडियोज आपको देखनी ही देखनी है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन की एक 7वें नंबर की वीडियो है, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस सेशन आप इसे देख सकते हैं, इफ यू वॉन्ट टू स्किप यू कैन स्किप एज वेल, बट ये स्टार्टिंग के 6 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में क्या होगा कि एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के पूछ ले, कुछ कोई फिक्स टाइप नहीं होगा जिसका, मिसलेनियस में वो मिलते हैं और ये बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन पार्ट होंगे हमारे 1 टू 6 ये हैं, इसमें सारे क्वेश्चन एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे, सबके शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको एवरेज पढ़ के। डेविएशन कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और डेविएशन कॉन्सेप्ट जो हम एवरेज में पढ़ते हैं, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट सब जगह यूज करते हैं, ठीक है। एलिगेशन भी इसमें बहुत अच्छे से, एलिगेशन पे डबल एलिगेशन, उसके सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर तरह के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आप कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट सेशन मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, ठीक है। इसके प्रैक्टिस सेशन सीजीएल 2020 टीयर 2 के, 2021 टीयर 1, अभी टीयर 2 के आंसर किया जाएगी तो वो भी इसमें डाल दूंगा मैं, ठीक है। आईसीआर के अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये एक जो लेटेस्ट क्वेश्चन की मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम बताया था, वो भी यहाँ पे मैंने अलग से ऐड कर दी, तो वो आप देख लेना। तो आपको लिखा होगा जैसे यहाँ पे 2020 टीयर 2 है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 एक था थोड़ा अच्छा जिसके मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो ये वीडियो में ये क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। सीजीएल 2021 टीयर 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट लॉस के, जो मैंने चैप्टर कराया था उससे पहले ही करा दिया था सीजीएल 2021 टीयर 1 से, और यूट्यूब पे भी वीडियो थी, एक भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा जो ना करवाया हो, ठीक है, सारे के सारे उसमें हुए हैं। सीएचएसएल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उस पर भी देखेंगे, वैसे तो कोई मिलता ही नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही रेयर, अगर मैं 100 एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी में, तो 50 में से एक क्वेश्चन हार्डली ऐसा मिलेगा जो हमने डिस्कस ना करा हो क्लास में, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो उसका भी आता होगा आपको, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि यार इस टाइप का, चलो स्पेसिफिक टाइप की इसके में कुछ छोटी ट्रिक लग रही है तो वो अलग से डिस्कस कर लिया, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन क्लास में जो करवा दिया 8.5 घंटे में प्रॉफिट लॉस आपने एक बार पढ़ा, डेट सीट खत्म, ठीक है। अब ये नहीं है कि बार बार आपको अलग अलग जाके पढ़ना है, एक बार 8.5 घंटे आपने लगाए तो
तो आपका कवर हो गया पूरा। ठीक, ऐसे टाइम एंड वर्क है हर एक चैप्टर के लिए, आपको सारी की चीजें यहाँ पे लिखी गई होंगी। पार्ट वन इज इंपॉर्टेंट, पार्ट टू इज इंपॉर्टेंट, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, वर्क एंड वेजेस, पार्ट फॉर्मूला बेस्ड, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। अर्थमेटिक में ज्यादा कुछ है नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। एडवांस मैथ्स में फिर भी कुछ चीजें हो जाती हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हाँ, यहाँ पे सब टाइप्स लिखे हुए हैं किस पार्ट में क्या क्या चीजें करवाई हुई हैं। बेसिक पे आते हैं, स्टॉपेजेस पे क्वेश्चन आते हैं, पार्टली बाइसिकल आते हैं, सम स्पेसिफिक केसेस टू रिमेंबर बिल्कुल आते हैं, रिलेटिव स्पीड पे भी मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। ये जो पार्ट सिक्स है, बुलेट एंड फायर, पार्ट सिक्स वाला टाइप अगर आप छोड़ देना चाहें तो पार्ट सिक्स छोड़ सकते हैं, इसका अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें ऑल दो, बट टीयर वन में इस टाइप के अभी कम पूछ रहे हैं, तो यू कैन स्किप द पार्ट सिक्स ऑफ दिस। ट्रेन का क्वेश्चन ये वाला करना है, जो पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 8 आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 7.1, इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सीडीएस वगैरह में बहुत पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, सीजीएल में अभी नहीं आ रहा, बाकी ये एमटीएस वगैरह में कम ही चांस है पूछने के। तो पार्ट 7.1 इफ यू वॉन्ट टू स्किप, लेस टाइम है तो स्किप कर सकते हैं। ये रेस के क्वेश्चन भी अगर टाइम कम है तो स्किप कर सकते हैं आप टीयर वन के लिए। और बोटेनिक स्ट्रीम करना है, ठीक है, 1.5 घंटे में ही बोटेनिक स्ट्रीम पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, इससे बाहर मिलेगा नहीं क्वेश्चन बोटेनिक स्ट्रीम का भी कर लोगे तो। ठीक, उसके बाद अगर टाइम है तो रिकमेंड हमेशा यही करूंगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाए। सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे, पांच चीजें अपने पास, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर कर लेना। पार्ट फाइव में लोन और इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, कम क्वेश्चंस पूछते हैं सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के। तो इफ यू वांट टू स्किप, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन भी हो जाती है सीखने के बाद भी, टाइम ज्यादा लगता है सीखने में सिंपल इंटरेस्ट का। सीजीएल में तो टीयर वन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो आप चाहें तो ये लोन इंस्टॉलमेंट वाली वीडियो सिंपल इंटरेस्ट वाली फिलहाल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में करवाऊँ, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव जरूरी है देखना। इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का सीजीएल टीयर टू में क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको इंस्टॉलमेंट का जरूर मिलेगा सीजीएल टीयर टू में। तो ये सारा का सारा आपको देखना है। सिंपल इंटरेस्ट वाली मैंने इंस्टॉलमेंट छोड़ने को कहा है, ठीक है, अगर टाइम कम है तो, ठीक है, कर लेना। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको बाद में रहेगी करने के बाद भी, कहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स में, तो इसमें रिविजन बहुत ज्यादा चाहिए इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जिस दिन पढ़ोगे उस दिन भी रिवाइज करना, उससे अगले दिन भी, उसके 2 दिन बाद भी, और 1 हफ्ते के बाद भी, ऐसे लगातार रिवाइज करोगे ना तभी ये इंस्टॉलमेंट वाली चीजें दिमाग में बैठेंगी। बोल तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स ले लेके समझाया है, बट स्टिल इट टेक्स टाइम, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है अच्छे से यूज करने में। कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई है कंपाउंड टेस्ट में तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन की, जो कि आप यूज करते हैं फटाफट से ऑप्शन की मदद से आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के जो पहले के 4 पार्ट हैं, इसमें स्टेटिस्टिक्स करवाया है, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए आपके, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, फिर वेरिएंस हो गया नॉर्मल डेटा पे, ग्रुप डेटा पे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका, डेविएशन हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको करवाई हैं। एल्जेब्रा आपने पहले से, सॉरी, एवरेज चैप्टर अगर आपने पहले से करा है तो डेविएशन आपको आता होगा, तो मदद मिलेगी स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करने में भी आपको, ठीक है। जैसे ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा मीन एवरेज पे बेस्ड है, इसमें बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट में करे हैं, लेकिन ये वाली पार्ट टू आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपने एवरेज चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। फिर मीडियन है, और फिर आपका यहाँ पे जो मोड, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा इस पार्ट में करवाया, जो कि एनटीपीसी और बाकी एग्जाम्स में जरूरी होता है। सीजीएल में मीडियन, मोड या सीएचएसएल में वेरिएंस, ये सब नहीं पूछते, ठीक है। अगर सीजीएल सीएचएसएल की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसका इन चारों वीडियो में से सिर्फ पार्ट वन देख लेना। पार्ट वन में बेसिक बताया है मैंने, वेरिएंस क्या होता है, स्टेप डेविएशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ ये 26 मिनट का सेशन है, ये देखना है। बाकी की पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर यू कैन स्किप फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जामिनेशन। एमटीएस दे रहे हैं, जीडी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें मीन का, मोड का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको ये फिर सारी देखनी पड़ेगी एमटीएस और जीडी के लिए। सीजीएल सीएचएसएल के यू कैन अपने आप को आप लिमिट कर सकते हैं सिर्फ पार्ट वन से, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर कैन बी स्किप्ड, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हिस्टोग्राम के क्वेश्चन 2 पार्ट में, पार्ट वन, पार्ट टू, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे सिंगल डेटा पे, डबल डेटा, ट्रिपल डेटा, वो सारे करवाए हैं। फिर पाई चार्ट के लिए अलग सेशन है जिसमें सारे पाई चार्ट करवाए हैं,
ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आईसीआर का मैंने लिया था यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, करवाया था इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है, टेबुलर डेटा पे सीजीएल 2017 में इसमें अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो इसमें लिए गए हैं, ठीक है, ये सीजीएल 2021, 2022, 2021 टीयर टू के, टीयर वन के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, और जो भी टीयर टू के क्वेश्चन है 2017-18 में से, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। आप ये कर लोगे तो सारे प्रीवियस ईयर के भी आपके अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे एक सिक्वेंशियल वे में, ठीक है। जैसे कि और इनकी वीडियोज में आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है पाई चार्ट, ठीक है, तो हमारे पास ये पाई चार्ट का क्वेश्चन चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से वीडियोज क्रिएटेड है, मेंस्ट्रुएशन और जो हमारे पास टॉपिक है स्टेटिस्टिक्स, वो वीडियो जो आपके डिजिटल बोर्ड पे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिस सेशन सारे डिजिटल बोर्ड पे ही आएंगे। उसके बाद जैसे अगर डेटा इंटरप्रिटेशन से मैं हटके चला नंबर सिस्टम पे, नंबर सिस्टम में कुछ वीडियोज हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे पहली वीडियो है नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये रीजनिंग में भी कई बार काम आ जाता है आपका। बाकी इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कंप्यूटर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, बट यू कैन स्किप दिस पार्ट वन, ठीक है, चांस बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन आता है तो आता है, पार्ट वन छोड़ सकते हैं, पार्ट टू करना है। इस बार सीजीएल मेंस में बच्चे बोल रहे हैं सर ये मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, ये मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया नंबर सिस्टम का, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन था जिसमें दे बताना था 3 नंबर का सम 70 है, 3 प्राइम नंबर्स का सम 70 दे रखा था शायद, और बताना था कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें पहले से करवा रखे हैं नंबर सिस्टम में, प्राइम नंबर्स में आप जाकर देखेंगे सीडीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ रखे थे, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखना देखना जरूरी है। ट्रेलिंग जीरोज काफी टाइम से नहीं पूछा, सीजीएल 2020 टीयर टू में अगर पूछा है तो मुझे देखना पड़ेगा, बाकी बहुत टाइम से ट्रेलिंग जीरोज पे क्वेश्चंस नहीं आए, तो इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप दिस पार्ट फॉर टीयर वन एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करता हूँ नंबर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पार्ट 5 4 आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, इसमें जो टोशेंट मेथड है विल्सन थ्योरम है, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप दैट फॉर टीयर वन, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछते, बेसिक जो रिमाइंडर थ्योरम है उस पर ही क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे आपके सोल्व, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 5 है लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट ये देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में मदद मिलती है, नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं ना अगर हम, तो कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स हैं वो यही नंबर सिस्टम चैप्टर से निकली होती हैं, ठीक है। पार्ट 6 फैक्टर्स ऑफ अ नंबर से बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 4.5 घंटे की वीडियो है, यूट्यूब पे भी डाली थी ये वाली वीडियो, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पूरी बहुत अच्छे से देखनी है, हो सकता है टीयर 1 में आप जाए मैक्सिमम सवाल आपको डिविजिबिलिटी रूल पे ही मिले, ठीक है, बाकी कुछ पूछे ना नंबर सिस्टम में, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पूछ लें, ठीक। देखें उसके बाद डिविजिबल एंड नॉट डिविजिबल बाय एक स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड भी होते हैं इस पे सवाल, जो कि हमने परसेंटेज में वेन डायग्राम सीखा था, अगर वो वीडियो देखिए तो ये अच्छे से समझ आ जाएगी आप। टाइम कम है तो यू कैन स्किप, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कई बार उनमें सोल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है, तो वही है कि आपके पास टाइम कम होगा, आप प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम में आपको टाइम की कमी रह सकती है। अगर टाइम की कमी रह रही है तो फिर आप अगर इसका क्वेश्चन बाई चांस अगर आया एग्जाम में तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, टाइम है तो देख लो। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस बना देते हैं ये, कुछ लोग सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस ईयर से करेंगे तो रिकरिंग डेसिमल नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे, जबकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से करवा रखा है। सीजीएल टीयर टू में रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सीजीएल टीयर टू के लिए जरूर देखना, टीयर वन के लिए इफ यू वॉन्ट टू स्किप यू कैन स्किप, बाकी पैटर्न चेंज होता रहता है, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से चीजें बता रहा हूँ, एक आधा पूछ लिया टीयर वन में भी तो है, बट वही बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टीयर वन में इसी से बनेंगे, टीयर टू में सब कुछ करके जाना, कुछ नहीं छोड़ना। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक परमिटेशन के बारे में बताया है, डिजिट पे काम करना है वो बताया है, इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं टाइम बीइंग फॉर द टीयर वन एग्जामिनेशन। पार्ट 11 में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये 3 वीडियोज हैं,
जिसमें कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका। एक में एलसीएम कराया, एक में एचसीएफ और एक में एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। सीजीएल 2021 टीयर 1 के सारे क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के मैंने एक वीडियो में कराए हैं, प्रैक्टिस सेशन के तौर पर देख लेना, मजा आएगा सोल्व करने में, ठीक है। सारी पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पे। लास्ट नोट्स, हिंदी लैंग्वेज में कुछ चैप्टर्स के अभी एडवांस मैथ्स भी नहीं होंगे, ठीक है। वो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिए। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ये हो गया था हमारा एलसीएम एचसीएफ एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा में स्टार्टिंग की जो वीडियोज हैं टिल पार्ट 9, ठीक है, टिल पार्ट 9 सारी वीडियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी देखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9 के बाद सीजीएल 2020 टीयर 2 के ऑल क्वेश्चंस करवाए हैं, जो पार्ट 9 तक सारा जो भी पढ़ा है उसमें ही है सारे के सारे, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस, एक ये है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस है, फिर मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है। ये तीन जो पार्ट हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और मैक्सिमा मिनिमा, टीयर 1 में कम क्वेश्चन आते हैं इसके। इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन स्किप दीज पार्ट्स, ठीक है। ये तीनों लगभग हमारे पास यहाँ पे 4 साढ़े 4 घंटे के सेशंस होंगे, ये तीनों सेशन आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, जो मैंने पहले यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कराए होंगे, पीछे हो सकता है उसमें भी वैल्यू पुटिंग लगा के किस किस तरह के टाइप बनते हैं वैल्यू पुटिंग में, वो सारा करवाया है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड आप देखेंगे, मजा आएगा, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू पुटिंग मेथड बाद में देखना हमेशा सही रहता है, ये करने के इन सबको पढ़ने के बाद, कि आपने पहले बेसिक हर टाइप के कर लिए क्वेश्चन। जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड इज समहाउ लिंक्ड विद पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर कुछ वैल्यू पुटिंग मेथड समझने में हल्की सी इशू अगर आपको आया, तो आप पॉलिनोमियल वाला ये वाला पार्ट देख लेना, ऑल्दो चांसेस है नहीं आएगा कोई इशू, ठीक है। वैल्यू पुटिंग वाला देख लेना, साइक्लिक आइडेंटिटीज, बाइनोमियल इक्वेशन, फैक्टर रिमाइंडर, ये वाला देख लेना। मिसलेनियस क्वेश्चन वाला स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। देख लोगे, ये वो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, जिसमें हो सकता है आप जनरली फंस जाओ, ठीक है। तो अभी तो नहीं पूछ रहे इतना ज़्यादा इन मिसलेनियस टाइप से, ये पहले कभी आए थे 17 में 16 में सीजीएल में, ठीक है। मॉक में कोई अच्छा क्वेश्चन जो मिल जाता है वो डाला हुआ होगा इसमें। यू कैन, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो थ्रू द मिसलेनियस टाइप एज वेल, ठीक है। फॉर टीयर 1 स्टार्टिंग की 9 वीडियो सबसे ज़्यादा जरूरी होंगी, और एक वैल्यू पुटिंग मैथड इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक पार्ट 14, पार्ट 13, 14 और स्टार्टिंग की 9। दैट्स ऑल फॉर एलजेब्रा। इसके बाद मैं आता हूँ सर्ट्स एंड इंडाइसिस पे, ठीक है। ये देख लेना, तीन चीजें हैं इसमें, बेसिक क्वेश्चंस, रेशनलाइजेशन, सीरीज एंड कंपैरिजन। तो सीरीज वाला जो आपका काफी सारे पार्ट जो सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया कि एक बार पूछ लेते हैं, तो वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो सर्च इंडाइसेस सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो तीनों में से किसी भी पार्ट से आ सकता है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें हाई ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप कर सकते हैं। आपको कहाँ तक करना है ट्रिग्नोमेट्री में, पार्ट 8, ठीक है। स्टार्टिंग का पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक आपको हाई ट्रिग्नोमेट्री में करके जाना है एग्जाम के लिए। उसके बाद पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13 यू कैन स्किप, डेफिनेटली यू कैन स्किप फॉर टीयर 1। और टीयर 2 में भी अगर टाइम कम हो तो आप छोड़ सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन बना तो वही है कि टाइम है तो आप टीयर 2 में सब कुछ करके रहें। अदरवाइज हायर ट्रिग्नोमेट्री से काफी टाइम से एसएससी में नहीं पूछा, 2017 के बाद कभी रेयरली का था क्वेश्चन आया है तो आया है हायर ट्रिग्नोमेट्री का। तो पार्ट 9 तक आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, बहुत कम टाइम में ट्रिग्नोमेट्री आपका फिनिश हो जाएगा। और काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आजकल इस बार तो बहुत ईजी बताया टीयर 2 में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, और पिछली बार भी कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। जो भी सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने एक वीडियो में डाले हुए भी होंगे, सीजीएल 2020 के भी जो 20 क्वेश्चन थे 2 शिफ्ट में हुआ था, टीयर 2 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अभी हम टीयर 1 के भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, तो और वीडियो प्रैक्टिस सेशन तो ऐड होते रहेंगे। बाकी कोर्स आपने कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस एक ही वीडियो है 2.5 घंटे की, इनफ है, सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद मेंशुरेशन, 3D। देखो अब हमारे पास ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर मैंने जो मेंशुरेशन 2D होता है, जैसे स्क्वायर हो गया आपका, आपका रोमबस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने मेंशुरेशन 2D में कराया, सॉरी ज्योमेट्री में कराया है। क्योंकि ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स हम पढ़ते हैं, तो इसके अंदर ट्राइंगल भी आता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं। तो मेंशुरेशन 2D इज कवर्ड इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा लंबा है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बताया है, कोई प्रीवियस नॉलेज, मतलब ऐसे तो सारे ही चैप्टर बिल्कुल बेसिक से ही कराए हैं,
लेकिन एडवांस मैथ्स में मुझे पता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होता, अर्थमेटिक का फिर भी थोड़ा आइडिया रहता है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से ज्योमेट्री पढ़ाई है। आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिंज वॉचिंग जैसे वेब सीरीज देखते हो वैसे नहीं देखना, ऐसा नहीं करना बैठा ज्योमेट्री के 5 वीडियो एक साथ देख ली। 5 वीडियो एक साथ देख लिए ना कुछ समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जो भी चेस्ट कराया टाइम लगेगा सीखने में, आप 1.5 घंटे का सेशन है, हो सकता है आपको सीखने में 3 घंटे लगे। ठीक है, लेकिन एक बार सीखो अच्छे से, उसकी रिविजन करो, फिर नेक्स्ट सेशन पे जाओ। जो भी सेशन मैंने क्रिएट करे हैं टाइप वाइज अरेंज किए हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली 1 घंटा मैंने बैठा और 1 घंटे के अंदर जितना पढ़ाया पढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया है, टाइप जो पार्ट टू है इसके ट्राइंगल के बेसिक्स बताए हैं सारे के सारे, ट्राइंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझाया है, फिर साइन और कोसाइन रूल पार्ट 3 में समझाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं साथ के साथ, टाइप समझाया, फॉर्मूला कैसे बना वो करवाया, डेरिवेशन करवाई, उसके साथ साथ के साथ उसके 3-4 क्वेश्चन करा दिए जिससे कि दिमाग में बैठ जाए कि उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। फिर एक वीडियो के अंदर सिर्फ कंग्रुएंसी और सिमिलैरिटी समझाई अच्छे से, और उससे अगली वीडियो में सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में वो कराएं। ठीक है, फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालना है, कैसे निकलता है, सीवियंस क्या होती है वो बताया, उसके बाद मीडियन और सेंट्रोइड से रिलेटेड सारी चीजें, फिर ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, फिर आपका इन सेंटर, अथाह केंद्र, फिर सर्कम सेंटर से रिलेटेड सारी चीजें, जितने भी टाइप के क्वेश्चन डिजाइन में पूछे गए, कंसेप्ट सारी, डेरिवेशन प्लस क्वेश्चंस, एक एक सेशन में कवर है जो भी टॉपिक में आप फंस रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इधर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग की 1 से लेकर 10 क्लास तक जो भी करवाया है उसके क्लास नोट्स यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे हड़ाले में। फिर पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 3 ऐसे चलेगा। ठीक है, इसमें मास पेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप चाहें तो थोड़ा सा मास पेट ज्योमेट्री पार्ट 14 में करवाई है, सीवियंस और उनके यूसेज करवाए हैं। पार्ट 13, 14 If you want to skip for tier 1, you can skip. ठीक है, आप रेयरली आता है। ठीक है, रिविजन भी चाहिए मास पेट ज्योमेट्री, तभी आप यूज कर पाते हैं, बिना रिविजन के यूज भी नहीं होती, तो चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे चैप्टर्स आपको एक एक करके मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटर वाला पार्ट हो गया, क्वाड्रिलेटर में ही आपके सारे आते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह, इन सबकी वीडियोज। एक टॉपिक उठाया हेक्सागन, तो खत्म एक वीडियो के अंदर पूरा। पॉलीगन उठाया, पॉलीगन खत्म एक वीडियो के अंदर सारा। ट्रेपीजियम उठाया तो एक वीडियो के अंदर कम, ट्रेपीजियम सब कुछ। ठीक है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम, नॉर्मल ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को कैसे एक्सटेंड करके हम सिमिलर ट्राइंगल्स बनाते हैं, सब कुछ एक के अंदर खत्म। ठीक है, जो भी जहां भी फंसे हैं आपको, जैसे तैयारी कर रहे हैं आपने पढ़ लिया सब कुछ, उसके बाद भी डायरेक्टली हुआ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं या स्क्वायर के क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, तो डायरेक्टली वीडियो पाए, स्क्वायर की वीडियो खाली दोबारा रिवाइज करी या पीडीएफ निकाल ली, यहाँ से व्यू पीडीएफ पे क्लिक करा, ये डाउनलोड भी कर सकते हो, ये वाली पीडीएफ ज्योमेट्री वगैरह में जो एनोटेशन वाली पीडीएफ है इसका भी मैंने एक्सेस दे रखा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर पीडीएफ निकाली, पीडीएफ में क्वेश्चंस देखे कैसे कैसे सॉल्व करा रखे हैं, खत्म करा, आप आगे बढ़े। ठीक है, तो रिविजन भी बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर से कर सकते हैं अपने। उसके बाद सर्कल करवा रखा है 2 पार्ट में, बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन CGL 2018 TL2 के सारे, CGL 2019 TL2 के सारे क्वेश्चन की वीडियो, CGL 2020 TL2 के सारे क्वेश्चन, अब 2021 आएगा तो उसके भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के सारे यहाँ पे वीडियो डाल दी जाएगी। सारी हर तरह की जो पीडीएफ आपको चाहिए, सर्कल की पीडीएफ अलग बना रखी है, क्वाड्रिलेटरल की अलग बना रखी है, और बाकी उससे पहले ट्राइंगल्स की सारी वीडियो की पीडीएफ एक अलग बना रखी है, वो सारी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। बहुत सारी पीडीएफ है हर फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने बताया, मिलेंगी आपको। ठीक, फिर मेंसुरेशन 3D का, एक तो मेंसुरेशन का क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो आप ये 3.5 घंटे का ये देखना चाहें तो टियर 1 के लिए देख सकते हैं, बाकी पूरा डिटेल में अगर आप मेंसुरेशन पढ़ना चाहते हैं तो मेंस्ट्रुएशन का पूरा डिटेल्ड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें 3 है, 2D ज्योमेट्री में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाँ, ये पीडीएफ वाला खोल लिया गया, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ 6 वीडियोज हैं, जो नंबर 1 वीडियो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। CGL में जो टियर 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा जाता है, तो इसी वीडियो में, पहले वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर टोटल मान लो एग्जाम में आपके SSC में CGL TL2 में 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आते हैं, 3 शिफ्ट में पेपर, 6 क्वेश्चन आए तो 5 तो इसमें होंगे, बाकी सारी वीडियोज में मिला के 1 क्वेश्चन होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो देखनी है, बाकी टाइम मिले तो पूरा देख लेना, एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मिक्स प्रैक्टिस सेशन होगा। मिक्स प्रैक्टिस सेशन में मिक्स 25-25 क्वेश्चन के सेट्स मैंने कुछ अच्छे प्रैक्टिस करवा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेशन तो आते रहते हैं मिक्स के, और इसमें और वीडियो जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन में अच्छे क्वेश्चन लगेंगे या मन करेगा प्रैक्टिस सेशन करने का, वो मैं कराता रहूंगा आपके एग्जाम के हिसाब से। आई होप ये पूरा ओवरव्यू आपको समझ आया होगा, क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं, किस तरह से कोर्स को डिजाइन किया है।
एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, क्या क्या अपने को अपने एग्जामिनेशन के लिए यूज करना है वो क्लियर हो गया। हाँ ज्योमेट्री मुझे पता है कि बहुत बड़ा है और टीयर वन के लिए मे भी आप सारा ना कर पाए, तो एक ज्योमेट्री का अलग से क्रैश कोर्स मैं करवाऊंगा, ठीक है। मेंसुरेशन 2D का भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जिनका सिर्फ मेंसुरेशन आता है एडवांस मैथ्स में, तो उनका 2D और 3D कवर हो जाए, उसके लिए मैं मेंसुरेशन का एक और दोबारा से क्रैश कोर्स बनाऊंगा और ज्योमेट्री का भी क्रैश कोर्स डालूंगा। इट मे टेक 2 मंथ्स ये सब करवाने में, जो क्रैश कोर्स वाला पार्ट है, क्योंकि और भी चीजें हैं, लेकिन मैं करवा दूंगा। सीजीएल से पहले आपका, सीजीएल से एग्जाम से कम 1 महीने पहले ही, टारगेट तो यही है कि अगस्त चल रहा है अभी, सितंबर एंड तक आपको ज्योमेट्री का क्रैश कोर्स मिल जाए और मेंसुरेशन का 2D का अलग से, जिससे कि आपको पूरा मेंसुरेशन 2D करने के लिए ज्योमेट्री में ढूंढना ना पड़े कि हाँ मैं इसमें कौन कौन सा पार्ट उठाऊँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, बाकी अगर हो पाया तो आगे आगे मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर के भी कुछ, वैसे तो बहुत कंसाइज में मैं सारी चीजें करवा रखी, बट आपके एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ अब हमें चीजें बेटर ही करनी है, ठीक है। हम रिकॉर्डेड कोर्स पे इसलिए गए हैं कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। ये पर्पस नहीं, अब ये मैंने एक बार पढ़ा दिया, लाइव क्लास में क्या होता अगर मैं लाइव वैसे भी निकाल देता अपना, दोबारा से सेम चीज पढ़ा रहा होता मैं, ठीक है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो चीजें पढ़ाई, यही चीजें पढ़ाने में 6 महीने लग जाएंगे ढंग से, अगर और डेली का 1 घंटा में 1.5 घंटा में पढ़ाऊंगा, राइट। लेकिन अब आपके पास कंसाइज में सारी चीजें आप कम टाइम में खत्म कर सकते हैं, लाइव क्लास में अगर आप चले गए यहाँ पे और अभी नए हो तैयारी स्टार्ट करो, फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे सारी चीजें को, समझ रहे हो ना, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ डाउट ग्रुप में, आपको कोई इशू है तो मैं वहाँ अवेलेबल हूँ, तो आई विल बी एबल टू गिव सम टाइम टू क्रिएट द बेस्ट प्रैक्टिस वीडियो एंड अदर थिंग्स एज वेल फॉर यू, राइट। और जो भी वीडियोज होंगी, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप सारी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, यहाँ पे या तो PDF कोर्स आप लेते हैं, ठीक है, वरना मैथ्स का कोर्स होता है 1 ईयर प्लान वाला, आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे परचेज कर लेंगे तो PDF कोर्स के साथ आपका फ्री रहता ही है, बाकी 3 सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी होते हैं, ठीक है, वरना 3 महीने वाला आपको ऑप्ट करना है, 6 महीने वाला ऑप्ट करना है, तो 3 महीने वाला जैसे 699 का है, 6 महीने वाला 899 का, 1 साल वाला आपका 1199 का, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे जाएंगे आप तो वहां से वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे होंगे, हमारे आरबी एप्लीकेशन पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज मैथ्स के अवेलेबल है, बाकी कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में अदर सब्जेक्ट के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है, काफ़ी सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में और सबसे क्वालिटी कंटेंट देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।